जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो साथियों, आज देखने वाले हैं हम एसएल अरोड़ा का चैप्टर वेब ऑप्टिक, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और टर्म वन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में रे ऑप्टिक्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे चैप्टर बहुत ईजी है, इन दो चैप्टरों पर आपको स्पेशली फोकस करना है। तो गाइज, हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें भी बताता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल वन को, जिसके अंदर हमसे कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास सरफेस। देखिएगा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ना, उतने क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। मोनोक्रोमेटिक का आपको मतलब समझ में आता है, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं सिंगल कलर वाली लाइट को जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। आपको वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर, और ये भी ध्यान लगाना है कि ये वेवलेंथ कहां पर है। एक्चुअली ये वेवलेंथ जो है वो एयर के अंदर है, तो मैंने लैम्डा ए दिखा दिया 600 नैनोमीटर। अब ये एयर से एक ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो यहां पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो हमसे कह रहा है जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उसकी स्पीड बता दो, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दो और साथ में उसकी वेवलेंथ बता दो। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है और ये एनसीईआरटी से पिक किया हुआ है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें देखिएगा, एक तो हमें लैम्डा एयर दे रखा, तो लैम्डा मीडियम आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, साथ में आपसे मीडियम के अंदर स्पीड भी पूछ रहा है, तो मतलब वी पूछ रहा है आपसे। और सी आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो हमें ये सारी चीजें दे रखी हैं और हमको जो निकालना है वो लैम्डा मीडियम निकालना है और यहां पर वेलोसिटी मीडियम के अंदर निकालनी है, साथ में हमको यहां पर जो कैलकुलेट करना है वो फ्रीक्वेंसी भी करना। तो फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू बना देते हैं। ये तीन चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। तो गाइस, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पूछता है ना, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास होना चाहिए। वाई द वे यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मेंशन किया हुआ है कि ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। तो यहां पर मैं म्यू की वैल्यू लिख देता हूं 1.5, जो कि हमें दी हुई है। एक बात और बताता चलूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की। चलिएगा, हमसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बता दो और वेवलेंथ भी मीडियम में बता, दोनों के लिए सेम ट्रिक है। आप इसको ट्रिक मान लें या कॉन्सेप्ट मान लें, बड़ा सिंपल सा मतलब है। देखिएगा, जब भी आपको मीडियम के अंदर स्पीड चाहिए होती है ना सनलाइट की, तो आपको क्या करना होता है, मैं यहां पर दिखा रहा हूं। तो आपको यह करना होता है, जो स्पीड ऑफ सनलाइट इन एयर है ना, उसको डिवाइड कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। हमेशा बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका आंसर, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपका आंसर क्लिक कर जाएगा। तो यहां पर हमें मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, तो मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए आपको एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। तो ऐसा करने पर आपको क्या मिलने वाला है, मीडियम के अंदर स्पीड मिलने वाली है। तो चलिए, स्पीड ऑफ लाइट सी की वैल्यू कितनी होती है एयर के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना दे रखा, 1.5 दे रखा। 1.5 से 3 जो है वो 2 टाइम्स कट जाता है, तो आपके पास वैल्यू निकलकर आ जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गाइज, ये वो वैल्यू है जो ग्लास स्लैब के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहां पर आपको मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकल कर आ चुकी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका एक पार्ट सोल्व हो गया, आपका ये वाला पार्ट सोल्व हो गया। दूसरे पार्ट के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिएगा, दूसरा पार्ट क्या आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने का भी बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब भी आपको मीडियम के अंदर वेवलेंथ कैलकुलेट करवा रहा है, तो एयर वाली वेवलेंथ को आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, जैसे कि मैंने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया। तो ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू कितनी आने वाली है। लैम्डा आपको एयर में दे रखा 600 नैनोमीटर, ये एयर के अंदर दे रखा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 600 नैनोमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है 1.5। जब ऐसा करता हूं तो 1.5 से, देखिएगा 1.5 से 6 जो है वो 4 टाइम्स कट जाता, तो ये आ जाएगा 400 नैनोमीटर। तो या तो आप 400 नैनोमीटर लिख दो, वरना 400 × नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। सोल्व करोगे तो 4 × 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा। तो वेवलेंथ आपने निकाल दी मीडियम के अंदर। थर्ड पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी बता दीजिएगा। तो आपने ये दो चीजें तो कैलकुलेट कर ली, एक ये कैलकुलेट कर ली और एक ये, आपके पास फ्रीक्वेंसी रह जाती है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है।
सी इज इक्वल टू होता है आपके पास न्यू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा। तो जब भी आपसे पूछे सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी ये होती है, तो न्यू को आप रोकिएगा सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। सी कितना आपके पास, इसको देख लीजिएगा, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है, और लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये लैम्डा कहाँ पर है देखिएगा, मीडियम के अंदर आपसे पूछ रहा है, मीडियम के अंदर आपसे पूछ रहा है, तो मीडियम के अंदर लैम्डा की वैल्यू लिख लीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है मीडियम के अंदर। बट यहां पर आपने जो स्पीड लगाई है, देखिएगा जब आप सी की वैल्यू 3×10^8 लगा रहे हैं तो ये एयर के अंदर लगा रहे हैं, तब मुझे लैम्डा एयर का चाहिएगा। अगर मैं सी की जगह वी लगा देता तो इसका मतलब मीडियम की स्पीड यूज करता, उस सूरत हाल में मुझे मीडियम के अंदर ही वेवलेंथ चाहिए होती। तो यहां पर मैंने सी यूज किया है तो मुझे इसका मतलब यह है कि मैंने एयर की बात कर रहा हूं, तो एयर का ही मुझे लैम्डा चाहिएगा, तो लैम्डा एयर में जो है वो है 600 नैनोमीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 600 नैनो, नैनो की वैल्यू लिख देता हूं 10^-9। देखिएगा 3 से अगर इसको कट करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो ऊपर जाकर 9 जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो 10^8 ये है और 10^9 ऊपर के प्लस हो गया और नीचे 200 रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आ रही वो होगी 5×10^14। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट या तो पर सेकंड होता है या फिर हर्ट्स होता है। तो आपके पास तीनों वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इन मीडियम एंड वेलोसिटी इन मीडियम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा इस न्यूमेरिकल का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।